इंडिया में नेक्स्ट जेन कॉलेजेस की सुनामी आ रखी है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रखे हैं कि टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले कि नेक्स्ट जेन कॉलेजेस में। यूट्यूब इंस्टा हर जगह भर भर के तारीफ की जा रही है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि आईआईटी बिट्स छोड़ के उन्होंने इन कॉलेज में एडमिशन लिया कि लोग आईआईटीज और बिट्स और एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटी छोड़ के आ रहे हैं। कोई आईआईटी मद्रास छोड़ के आया, कोई एनआईटी को छोड़ के आया है। हां बिट्स छोड़ के आया, बिट्स छोड़ के आया। क्यों? एमएस रमैया, रमैया कॉलेज छोड़ के आया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंडिया में पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कॉलेजेस देखने को मिले हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने का दावा करते हैं, जिसमें से एक है स्केलर। हमने कई टाइप के कॉलेज रिव्यूज इस चैनल पे किए हैं, लेकिन मुझे किसी की इतनी डिमांड नहीं आई जितनी इस कॉलेज की आई है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजों को समझते हैं। ये जो कॉलेजेस हैं इनको एस्टेब्लिश हुए सालों हो गए हैं, तो एक अच्छा खासा फीडबैक एंड डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है। बट ये कॉलेज रिलेटिवली काफी नया है, तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट से मिली वो कवर करेंगे, प्लस साथ हम अपना एक कंक्लूजन या ओपिनियन भी रखते चलेंगे। पहले तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये कॉलेज काफी नया है, तो आई वाज नॉट श्योर कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी कि नहीं। बट वेबसाइट पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैंने सोचा एक क्विक रिव्यू बनाया जा सकता है। अब एसएसटी की शुरुआत 2023 में हुई, जिसके फाउंडर्स है अंशुमन सिंह एंड अभिमन्यु सक्सेना, जो कि दोनों ही ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एल्यूमनाइज भी हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको बेंगलोर में देखने को मिल जाता है, जिसके दो कैंपस हैं, एक मैक्रो एंड एक माइक्रो। मैक्रो में आपकी क्लासेस वगैरह होती है, वही माइक्रो कैंपस आपका हॉस्टल रहता है। अपने इंडिया में मोटे मोटे पांच टाइप के इंस्टीट्यूट दिखाई देते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, प्राइवेट, फिर आते हैं नेक्स्ट जेन कॉलेजेस जैसे स्केलर। अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है जिसे ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं, मोस्टली वो इनकी तरफ ही जाता है। बट स्केलर में क्या अलग है वो देख लेते हैं। इनकी वेबसाइट पे इन्होंने ट्रेडिशनल वर्सेस स्केलर का एक सेक्शन दिया हुआ है, काफी सारे पॉइंट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हैं उसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है करिकुलम ट्रेडिशनल कॉलेजेस के लिए आउटडेटेड बताया। अब देखो मेरी ये मानने की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे है, बट ये सच है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट स्टेट्स में दिख ही जाता है, एंड सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी यही है। तो हाँ ये बात कड़वी है बट सच है, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज भी सिलेबस सदियों पुराना है, एंड यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि रियल वर्ल्ड करिकुलम होगा जो कि फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा। अब ऐसा क्या डिफरेंस है करिकुलम में वो भी देख लेते हैं। इनकी वेबसाइट पे करिकुलम को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 24 मंथ्स जिसमें फंडामेंटल सिखाएंगे, जैसे खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना एक्सेट्रा। देन 1 ईयर पेड इंटर्नशिप होगी किसी टेक कंपनी में। देन नेक्स्ट 12 मंथ्स में एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी, जिसकी मार्केट में हाई डिमांड भी होगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेडिशनल में दिया है नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें जो प्रोफेसर होते हैं वो पीएचडी होते हैं, तो उन्हें हार्डली किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ज्यादातर पीएचडी जो रहते हैं वो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एज अ प्रोफेसर कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ये लोग उनको फैकल्टीज बनाए हैं जो टॉप कंपनीज में काम कर चुके हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पे पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आता है वो है इंटर्नशिप्स। अब ट्रेडिशनल में लिखा हुआ है नो सपोर्ट फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अब मैं इससे 100% एग्री नहीं करता, क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं जैसे बिट्स, पिलानी, उनमें आपको कंपलसरी इंटर्नशिप जैसी चीजें दिखाई देती हैं। सब में नहीं देती, लेकिन हाँ जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें डेफिनेटली ये चीज दिखाई देती है। बट यहाँ पे ये लोग 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रेडिशनल में दिया हैज टू अंडरगो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। तुमने देखा होगा जो टिपिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें ना ट्रेनिंग प्लेसमेंट प्रोग्राम करके एक चीज होती है जिसे टीपीपी भी बोलते हैं, ये आपके एंड में कराई जाती है ताकि आप प्लेसमेंट के लिए रेडी हो पाए। एंड ज्यादातर कॉलेजेस में ये भी नहीं देखने को मिलता है, तो वहाँ पे फिर आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, यूट्यूब से सीखना पड़ता है, तब जाके आप प्लेसमेंट निकाल पाते हैं। और इनका मानना है कि आपको एंड तक प्लेसमेंट रेडी बना देंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, बाकी पॉज करके तुम समझते चलना। अब ये ना होलिस्टिक एडमिशन अप्रोच चूज करते हैं थोड़ा अलग है, इसे भी समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी को पहले देख लेते हैं, इसमें आप एज 20 या उससे बिलो होने चाहिए एंड क्लास 10th एंड 12th किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से की होनी चाहिए। फिर आता है एंट्रेंस जो कि है स्केलर एनएसीटी। इसको टोटल तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, पहला मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लर्नेबिलिटी। जो टिपिकल एंट्रेंस देखने को मिलते हैं इंजीनियरिंग के लिए उससे काफी अलग है ये। ऑनलाइन टेस्ट होगा, 120 मिनट मिलेंगे, कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एंड अननेसेसरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी नहीं पूछी जाएगी। एंट्रेंस के बाद आपका फाइनल राउंड होता है जिसमें आपका प्रोफाइल इवेल्युएशन किया जाता है। आसान 5 स्टेप्स में समझे तो एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस टेस्ट, 1-on-1 इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग, देन लास्ट में आता है एनरोलमेंट। इंपॉर्टेंट डेट्स रही स्क्रीन पे, पॉज करके देखते चलना। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हर साल की फीस वेरी करती दिखाई दे रही है। टोटल 4 ईयर एक्सपेंस की बात करें तो 21.89 लाख के आसपास आ जाता है, जो कि डेफिनेटली हायर साइड में। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे हॉस्टल कंपलसरी है। इनका रेसिडेंशियल कैंपस है तो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, एंड इसका एक कारण ये भी है कि हॉस्टल वगैरह में भी गाइड
गाइडेंस एंड वो लर्निंग वाला माहौल बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पे दो टाइप की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहली है विमेन इन कोड स्कॉलरशिप। ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है जो कोडिंग कॉम्पिटिशन या टेक इवेंट्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करेंगी। सेकेंड आती है ब्राइटेस्ट माइंड स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेई, सीबीएसई, केवीपीवाई, एनटीएससी जैसे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तब आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, ये स्कॉलरशिप आपकी फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए अकेडमिक एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो अगर एडमिशन ले रहे हो, स्कॉलरशिप मिलती है तो भाई पढ़ लेना, नहीं तो सेकंड ईयर से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे ना दो इंटरनेट हीटेड आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला, भैया ये लोग डिग्री प्रोवाइड कौन सी कराते हैं? तो यहाँ पे आपको दो डिग्री मिलती है, एक बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस बाय बिट्स पिलानी, दूसरी मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस बाय वुल्फ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हो सकता है आपको ग्रेजुएशन के बाद बाहर से मास्टर करना हो, या फिर इंडिया में रहकर कैट जैसे एग्जाम देके एमबीए करना हो, या यूपीएससी की तैयारी करनी हो। इन सबके लिए फॉर्मल डिग्रीज का होना जरूरी है एंड इन दोनों ही डिग्रीज से काम चल जाएगा। बिट्स पिलानी की डिग्री कुछ ऐसी दिखती है एंड वुल्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री कुछ ऐसी। दोनों ही डिग्री में कहीं भी ऑनलाइन नहीं लिखा होता है तो आपको प्रॉपर डिग्रीज मिलती है। यूजीसी की रेगुलेशन 22 के हिसाब से ODL और ऑनलाइन मोड से दिए गए डिप्लोमास, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज को कन्वेंशनल मोड में जो डिग्री मिलती है उन डिग्रीज के बराबर माना जाएगा, तो ये भी एक सही चीज है। थोड़ी बिट्स फैलाने की डिग्री की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया है ये ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है जो कि एक्सक्लूसिवली आपको कोर्सेरा के थ्रू मिलती है और इसे एसएसटी कोर्स के साथ साथ पैरेलल में बच्चे परसू करते हैं। अब इंटरनेट पे कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई स्किलर की क्या जरूरत है जब ऑनलाइन कोर्सेरा पे डिग्री मिल रही है, मैं वहीं से कर लेता हूँ, फीस भी कम है एंड डिग्री भी मिल जाएगी। देखो बात तो सही है, कर सकते हो वहाँ से भी, बट प्लेसमेंट वगैरह खुद निकाल लोगे तो ही रिस्क लेना। एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ये ऑनलाइन डिग्री जितनी दिखने में फैसिनेटिंग लगती है उतनी होती नहीं है। आपको पता होगा पिछले कुछ सालों में कई IITs ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है जिसमें आपको प्रॉपर IITs की डिग्री भी मिलती है। एंड हाल ही में इन IITs में से IIT मद्रास के सेट्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि काफी शॉकिंग है। तो एक्चुअल में क्या रियलिटी है ऑनलाइन डिग्रीज की एक बार देख लेते हैं। IIT मद्रास ने फर्स्ट बैच में 8000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल किया था एंड उसमें से सिर्फ 800 स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिले। एंड चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से भी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेवल डिग्री को कंप्लीट किया था जो कि 8000 का 0.2% है। तो इस स्टेट से क्लियर कट आइडिया लग जाता है कि ऑनलाइन डिग्रीज को कंप्लीट करना उतना आसान नहीं होता, काफी लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी ये रहेगी उनके लिए जो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स करने की इच्छा रखते हैं, उसको यार पहली प्रायोरिटी मत बनाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी प्राइमरी डिग्री वही है तो हो सकता है कि तुम वो डिग्री पूरी कंप्लीट ही ना करो। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऑनलाइन डिग्री में तुम बीच में क्विट कर देते हो, तो इससे नुकसान ये है कि यार एट द एंड ना तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं होगी। बट अगर तुम कोई ऑलरेडी ऑफलाइन डिग्री कर रहे हो तो इसे सेकंड ऑप्शन रख सकते हो, वो फिर सेफ माना जाएगा। सेकंड हीटेड आर्ग्यूमेंट जो मुझे रेडिट पे मिला था, क्या ये कॉलेज UGC एंड AICTE अप्रूव्ड है? तो एक बार देख लेते हैं। तो ये जानने के लिए UGC एंड AICTE क्या होता है उसे समझ लेते हैं। UGC होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वही AICTE होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये दोनों रेगुलेटिंग बॉडीज हैं जिनका अच्छा खासा रोल होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इंडिया में कई टाइप की डिग्रीज हैं एंड हर डिग्री के लिए अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडी का अप्रूवल लगता है। जैसे बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा को PCI अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, LLB, LLM को BCI अप्रूवल की, MBBS, MD, MS को MCI अप्रूव करता है, CA, CS जैसे कोर्सेज को ICAI, ICSI रेगुलेट करते हैं, आयुर्वेद कोर्सेज को आयुष मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगता है, BTech, MTech, MBA, MCA जैसे कोर्सेज को AICTE रेगुलेट करता है, वही BSc, MSc, BCom, etc. इन डिग्रीज को UGC अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा हर डिग्री कोर्स के लिए अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडी का अप्रूवल लगता है, सबको AICTE अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका UGC का अप्रूव्ड होना जरूरी है। एंड थोड़ा रिसर्च करके वेबसाइट पे क्लियरली लिखा हुआ है ये जो डिग्री है ये UGC अप्रूव्ड है जो कि बिट्स पिलानी प्रोवाइड कराता है। बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड बिट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, भैया अपनी डिग्री प्रोवाइड करा दो ना। अब ये बोलना काफी आसान है क्योंकि AICTE करिकुलम जो पहले से सेट है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ सेट गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है जो कि आज के हिसाब से एकदम बेस्ट नहीं है। एंड इसीलिए जो आजकल के नेक्स्ट जेन कॉलेजेस है ये अलग रास्ता अपनाते हैं, जैसे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है उसके साथ पार्टनर करना, इससे ये स्टूडेंट्स को सही जगह से डिग्री भी प्रोवाइड करा देते हैं एंड जो इसकी मेन एक्सपर्टीज है लर्निंग उस पे भी ज्यादा फोकस करा पाते हैं। अब इस पार्ट को ना मैं इजीली स्किप कर सकता था बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि सारी चीजें कैसे काम करती है ताकि तुम अपने लिए बेस्ट डिसीजन बना पाओ। अब SST का फर्स्ट बैच ना लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है तो प्लेसमेंट स्टेट्स में तो 2-3 साल और लगेंगे, बट इनकी पेरेंट कंपनी है स्केलर, उसके स्टेट्स इन लोगों ने वेबसाइट पे बताए वो देख लेते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ के आसपास है, वही एवरेज की बात करें तो 21.6
6 लाख देखने को मिल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई है, अमेज़न ने टोटल IIT से भी ज्यादा बच्चे स्केलर से हायर किए हैं, विच इज इंटरेस्टिंग, बट मेन तो SST है, उसके स्टेट्स आने में लगेंगे अभी 2-3 साल और, तो देखते हैं। अब जल्दी से प्रोज एंड कॉन्स कवर कर लेते हैं। अब कुछ चीजें इन लोगों ने वेबसाइट पे बताई हुई है, जैसे फ्यूचर प्रूफ करिकुलम, इस पे ऑलरेडी बात कर ली हमने, पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। अब देख लेते हैं कि ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं कौन। तो हाँ, सबने गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज में काम कर रखा है, अब ये कितना लेजिट है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो लिंक्डइन पे जब सर्च किया तो हाँ लेजिट है, 4 साल से गूगल स्विट्जरलैंड में काम कर रहे हैं, तो रिपोर्ट ओके। नेक्स्ट है लर्न बाय बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे ये लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने पे काफी फोकस कराते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर पेड इंटर्नशिप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉप इंस्ट्रक्टर्स, ये भी डिस्कस कर लिया। लास्ट आता है 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, खैर ये तो हर कॉलेज बोलता है। इनकी एक दो अचीवमेंट्स और मिली है, वो भी देख लेते हैं। इनके कुछ स्टूडेंट्स ने हाल ही में ICPC कॉन्टेस्ट फोड़ा है, विच इज इंटरेस्टिंग क्योंकि कॉलेज को मुश्किल से 1 साल ही हुआ है। इंडस्ट्री लीडर्स के साथ क्वार्टरली सेशंस भी होते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी यूनिक क्योंकि ज्यादातर कॉलेज में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है। अब मुझे इन सब प्रोस से जो समझ आता है वो बताता हूँ। If you are placement oriented, learning, entrepreneurship, इन सब में interest रखते हो and computer science ही करनी है, then सोच सकते हो, क्योंकि scaler already established है तो job तो लगवा ही देंगे। Anyways, ये तो थे pros, channel की प्रथा यानी cons, उसे भी cover कर लेते हैं। पहला कौन आता है, small campus area, यहाँ पे आपको 600 एकड़ टाइप campus नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको बड़े campuses में interest आता हो, उसमें मजे आते हो, देन स्केलर इज नॉट फॉर यू। अगर भीड़ वाला कॉलेज चाहते हो जहाँ 10-12 हज़ार लोग हो या फिर ज्यादा लोग हो, देन अगेन स्केलर इज नॉट फॉर यू। यहाँ पे काफी लिमिटेड बच्चे हैं तो हो सकता है शायद वो वाली वाइब ना आए। नेक्स्ट कौन आता है, CSE के अलावा बाकी कोर्सेज नहीं है यहाँ पे, जैसे AC, सिविल या फिर मैकेनिकल करना हो तो वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कौन आता है, रिलेटिवली नया कॉलेज है जिसके कारण एल्यूमनी नेटवर्क अभी उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। देन आई नो ये लोग क्लेम करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफी होती है जो की होती भी होंगी, बट आई फील कि यहाँ पे ना पढ़ाई वाला एनवायरमेंट ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट जो कौन आता है, फीस इज ऑन हायर साइड, तो अफोर्डेबिलिटी का पंगा काफी लोगों के लिए हो सकता है। लास्ट जो कौन आता है, BTech डिग्री नहीं प्रोवाइड कराते हैं, BSc डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक सब्जेक्टिव कौन है, किसी के लिए मैटर करेगा किसी के लिए नहीं करेगा। ये तो थे कुछ कॉन्स जो कि फिलहाल समझ में आते हैं, अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। अब ना यार कॉलेज काफी नया है, बड़े बड़े क्लेम्स भी कर रहा है जो कि सुनने में काफी अच्छे भी लग रहे हैं। अब जो मुझे ऑनेस्टली समझ में आया वो बता देता हूँ। अब मेरी जो एडवाइस रहेगी जो कि इसमें एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, इसे ना दो तरीके से जांचा जा सकता है। एक तो जो क्लोज है एंड ऑलरेडी इसमें पढ़ रहे हैं उनसे एक बार आइडिया ले सकते हो चुपचाप से, या तो अगर आप बैंगलोर के ही रहने वाले हो तो एक बार कैंपस विजिट करके देख लो, एंड मैं बोलूंगा एकदम चुपचाप जाना, ठीक है, इनको पता ना चले, तो वहां से भी समझ में आएगा कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे जो लगता है जैसा ये क्लेम कर रहे हैं, अगर ऐसी सारी चीजें एक्चुअल में है तो ये एनी टाइम बेटर रहेगा किसी नॉर्मल कॉलेज से, क्योंकि ये सारी चीजें देख के ना मुझे ये समझ में आ रहा है कि लर्निंग पे ज्यादा फोकस करा रहे हैं। तो अगर लर्निंग बढ़िया हुई तो प्लेसमेंट की दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए एंड में, लर्निंग बढ़िया हुई तो कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लेंगे। एंड मेरे टाइम पे भी ना बहुत टाइम वेस्ट होता था, एंड आई लेफ्ट कॉलेज विद इन 6 मंथ्स क्योंकि आई वॉज लर्निंग नथिंग इन कॉलेज, मैं 8 घंटे डेली के वेस्ट कर रहा था वहाँ पे। एंड अगर उस टाइम मुझे ऐसे कोई ऑप्शंस मिलते जो कि लर्निंग पे ज्यादा फोकस कराते हो एंड मेरे बजट में होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कंसीडर्ड इट। मैं स्केलर की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा कॉलेज हो जो कि लर्निंग पे फोकस कराता हो, एट द एंड कुछ सीख के कॉलेज से निकलते हो, आई वुड हैव कंसीडर्ड इट। अगेन बोलूंगा सबकी सेम सोच नहीं होती है, किसी को बस डिग्री चाहिए होती है, किसी को कॉलेज में मजे करने होते हैं, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस रहते हैं, तो एक बार देख लेना। ये तो था ओवरऑल स्केलर पे रिव्यू, जो भी मार्केट में बातचीत चल रही थी, इनकी वेबसाइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब तुम लोग मुझे कमेंट में एक चीज बताओ, देखो आज जो अपना चैनल है वो ठीक ठाक कर लेता है एंगेजमेंट एंड व्यूज वाइज, तो अगर मैं किसी भी कॉलेज में अप्रोच करूंगा कि भाई मुझे ना कॉलेज के कैंपस टूर की वीडियो बनानी है, चाहे वो IIT हो या फिर प्राइवेट हो, कोई भी कॉलेज हो, तो वो लोग मना नहीं करेंगे क्योंकि एट द एंड उनकी मार्केटिंग हो रही है। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर तुम किसी कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, एंड वहां पे हो तुम उस कॉलेज में, तो तुम्हारा ऑनेस्ट ओपिनियन रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। बट तुम लोग बताओ क्या तुम ऐसे वीडियोस देखना चाहोगे जहाँ पे सिर्फ कैंपस टूर हो, सिर्फ कैंपस टूर? मेरी तो इच्छा नहीं है, बट अगर तुम लोग बोलोगे तो सोच सकते। उसमें फिर एक और चीज ध्यान रखना, मेरे से ब्रूटल रिएक्शन एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि कॉलेज में जाके कॉलेज के कॉन्स बताना भाई पकड़ लेंगे मेरे को वहीं पे। गाइस जस्ट अभी मुझे एक और चीज मिली है, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे ना ये इवेंट करके ना एक टैब दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना काफी सारे इवेंट्स होते हैं इनके, तो मैं बोलूंगा एक बार ये इवेंट्स भी देखो चेक करके, ठीक है, क्योंकि जो मर्जी वेबसाइट पे बता दे, ठीक है, लेकिन सामने थोड़ा देखोगे इवेंट्स वगैरह तो थोड़ा और आइडिया लगेगा, सामने झूठ नहीं बोल सकते। ये तो था स्केलर पे रिव्यू, और भी ऐसे काफी सारे कॉलेजेस थे जिन पे अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ लो परसेंटाइल कॉलेजेस के ऊपर वीडियो बनाऊं, ठीक है, तुम्हारा JEE सेकंड अटेम्प्ट होने के बाद आएगी वो वीडियो, वो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, उस पे वीडियो आ जाएगी। बाकी ये था आज का वीडियो, इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, पीस आउट।